दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट आया किसका, टाटा की एक कंपनी का क्वार्टर फोर का यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो हम सारी जो भी उसको प्रॉफिट हुआ क्वार्टर में या फिर रेवेन्यू में कोई कमी आई, एबिटा मार्जिन सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, बस आप इस वीडियो तक रहिएगा, ठीक है। तो वो कौन सा टाटा का स्टॉक है जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें आता देखने को दिखाई देता है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का हमें क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है, वो भी 2023, वो भी मार्च तक का, जो मार्च वाला क्वार्टर क्वार्टर होता है ना लास्ट वाला, वहाँ तक। तो मार्च तक का ये क्वार्टर रिजल्ट है टाटा कम्युनिकेशन का। तो इसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टाटा कम्युनिकेशन का क्वार्टर फोर में क्वार्टर फोर का जो रिज़ल्ट है उसमें 1.5% इनका नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है, और रेवेन्यू तो बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ा मैं आपको अभी उसे नंबर्स पर भी लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ पे हमें रेवेन्यू फॉल होता हुआ दिखा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट फॉल होता हुआ दिखा है और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। तो इनके जो ऑपरेटिंग होते हैं ना, कॉस्ट एक्सपेंसेस टैक्सेस, इन सब में इनका इतना लग गया कि इनका प्रॉफिट फॉल हो गया पर रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने या एड वैड भी कह सकते हो, मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा कर दिया है, टैक्स वैक्स अदर एक्सपेंसेस मिला मुलू के सब, प्रॉफिट इनका कम हो गया पिछले साल से, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट भी तो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब इन्होंने एक्सपेंसिस ज़्यादा करे हैं इस बार, ठीक है। तो एक बार इनके नंबर भी देख लेते हैं, देखिए क्वार्टर के नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सेल्स देखिए इसकी, टाटा कम्युनिकेशन की मार्च वाला जो क्वार्टर है यहाँ पे, उसकी देखिए सेल्स 2969, मतलब 20,970 करोड़ के लगभग यहाँ पे हमें इसकी सेल्स देखने को मिल गई है। वहीं पर अगर हम इनका एक्सपेंस देखेंगे ना, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एक्सपेंस है 16,739 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इस बार काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर बचता है, अब ये जो इनकी सेल्स या रेवेन्यू हुआ इसमें से हम जब प्रॉफिट को यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो फिर ये हमारा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है सिर्फ 4230 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद हम जब इसके सारे के सारे अदर टैक्सेस, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ जब हटा देंगे ना, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आके बचता है ना, वो बचता है सिर्फ 970 करोड़। देखिए कमाए प्रॉफिट था कितना, 442, मतलब 4230 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट हमें दिखाई दिया था, लेकिन जो नेट में सारे एक्सपेंस टैक्स वैक्स सब कुछ काट के जो बढ़ता है ना, 1,000 करोड़ भी नहीं हो पाता। और ये मेरे हिसाब से तो कम प्रॉफिट है इसके लिए, क्योंकि इसके जो पिछले क्वार्टर्स थे ना उसमें देखिए 1800 करोड़ का प्रॉफिट, 1400 करोड़ का, 1200 करोड़ का, मतलब 1,000 करोड़ के प्लस ही प्रॉफिट्स आते थे इसके। और यहाँ पे देखिए, और इस क्वार्टर में इसने 1,000 को भी क्रॉस नहीं किया है ना। तो इसने रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखाई है अपने, लेकिन देखिए जैसा कि रेवेन्यू मतलब यहाँ सेल्स बढ़ी है। ये देखिए पहले 1700 करोड़ थी, 1600 करोड़, 1700 करोड़, 20,000 करोड़, भाई साहब 20,000 करोड़ की सेल्स इन्होंने जनरेट करी है, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट को नहीं जनरेट कर पाए ज़्यादा। प्रॉफिट 1,000 करोड़ से भी कम आया इस बार, जबकि पिछले क्वार्टरों में इनके वो कम रहते थे रेवेन्यूज़, तब भी प्रॉफिट 1,000 करोड़ से ऊपर थे। इस बार प्रॉफिट इनका बहुत कम हो गया है रेवेन्यू, बल्कि इस बार बढ़ा है, तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ ये। देखिए टाटा कम्युनिकेशन का जो एबिटा है ना, एबिटा मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वॉज अप 2.1%, 1,056 करोड़, वाइल इट्स एबिटा मार्जिन डिक्रीज 18.6% फ्रॉम 22.6%। तो हमें इसका जो क्या है एबिटा जो है ना, हमें इसका ड्रॉप होता हुआ दिखा है। जो इसका प्रीवियस एबिटा चल रहा था पिछले क्वार्टर्स में, वो चल रहा था 22.6 का, जो काफ़ी ठीक भी था। और क्योंकि हमने देखे इसके पिछले क्वार्टर्स के नंबर काफ़ी ठीक भी चल रहे थे, प्रॉफिटेबल चल रहे थे, और 1,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो रहा था, और
कंसिस्टेंट चल रहे थे। इसमें सडन एक काफ़ी गंदा ड्रॉप आया एबिटा मार्जिन में भी। ये देखिए एबिटा मार्जिन जब 18% हो गए तो प्रॉफिट इसलिए तो कम हुआ है, एबिटा मार्जिन जब कम हो जाते हैं तो फिर आप कितना ज़्यादा रेवेन्यू कर लो ना प्रॉफिट कम हो ही जाता है। इसी वजह से हमें इसका जो प्रॉफिट है ना कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एबिटा मार्जिन डिक्रीज़ हो गए, पिछले क्वार्टर में 22 थे और यहाँ 18% हो गए, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे वो देखने को मिला है इसमें। तो दोस्तों यही था टाटा कम्युनिकेशन का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था। होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।